प्रयागराज के कर्चना क्षेत्र में एक बुरी घटना घटी। यहाँ अचानक आई बाढ़ के कारण एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि यह घटना भीरपुर चौकी के अंतर्गत कटका देहली संपर्क मार्ग पर हुई, जब युवक अपने दोस्तों के साथ बाढ़ का नजारा देखने आया था। युवक मिट्टी पर खड़ा होकर बहाव को देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी चप्पल गिर गई। चप्पल लेने के चलते जब वह मिट्टी में उतरा तो मिट्टी ढह गई। अचानक वह तेज बहाव में गिर गया और दोस्तों के सामने अदृश्य हो गया। यह सब कुछ चंद सेकंड में हुआ। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज था कि उनकी कोशिशें बेकार हो गईं। लगभग 4 घंटे तक स्थानीय गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तब कुशल तैराकों को बुलाया गया। इस दुखद घटना के बारे में जब परिजनों को सूचित किया गया तो पता चला कि युवक शिवा नेवड़िया गांव का रहने वाला था। वह अपने ननिहाल आया था। जब हल्ला हुआ जी, यहाँ एक लड़का वहाँ डूब गया। ये कौन सा गांव है? ये देहली में। देहली में तो ये रहने वाला कहाँ का है जो बच्चा डूबा हुआ है? ये नेवड़िया का है, नेवड़िया मेजा। तो यहाँ क्या करने आया था? यहाँ ननिहाल था उसका। अच्छा। यहाँ टहलने के लिए आया था या देखने जा रहा था? स्थानीय पुलिस प्रशासन भी युवक की तलाश में जुटी हुई है। यह घटना सभी के लिए एक चेतावनी है कि बाढ़ के दौरान हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। हम सभी से अनुरोध है कि बाढ़ के समय सतर्क रहें, सुरक्षित स्थानों से दूर रहें और खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। हमारे नहीं जाएगा।